So we were talking about the magnetic field due to a small current element. In last class we have seen about magnetic field at the center of a current carrying ring. Nahin? Kya formula tha? Magnetic field at the center of a ring, current carrying ring ka kya formula tha? Last class hum log dekhe the. It is mu I by 2R. Aise karke tha. Nahin? Achha. तो ये हम लोग फॉर्मूला देख लिए थे और उसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे. तो सपोजिंग हियर इज ए रिंग, सपोज हमारे पास एक रिंग है ऐसा है और दिस इज मेड अप ऑफ ए रेजिस्टेंस वायर एंड सपोज ए करंट इज इंजेक्टेड समवेयर हियर मेकिंग सम एंगल थीटा एट द सेंटर. The current is going out. I current घुस रहा है, I current निकल रहा है. And suppose the two current elements are here, they are making angle theta here. ऐसा करके theta angle कर रहे हैं. Suppose ऐसे दिया गया है. क्या दिया है question? A uniform रेजिस्टेंस वायर, यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर वाज बेंट टू द फॉर्म ऑफ ए रिंग एंड करेंट एंटर्स and leaves the ring at A and B. Suppose यार ये point A में घुस रहा है current, B point में बाहर निकल रहा है. Find magnetic field at point C. Center में magnetic field पूछा है, simple question है. आप लोग अच्छे बच्चे हो बोल के ये क्वेश्चन करवा रहा हूं. ठीक है, इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आंसर यू मस्ट रिमेंबर और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फॉर डिफरेंट एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू स्कूल वाले नहीं पूछेंगे, हो सकता है कोई एनटीएससी वाले या ओलंपियड वाले या केबीपीए वाले पूछ ले. तो यहां पर हुआ बात ऐसा कि कोई एक रिंग है जिस रिंग को हमने क्या किया, कोई एक वायर है जिस वायर को हमने क्या किया कि बेंड करके एक रिंग बना दी. अब इस रिंग में से करंट को इंजेक्ट किया जा रहा है, यहां से करंट को निकाला जा रहा है. मैं ये रिंग के ऊपर कुछ पॉइंट्स ले लेता हूं. आई कॉल दिस पॉइंट ए, ए पॉइंट ए डी बी एंड दिस सेक्शन एज ए ई बी. सपोज आई नेम दिस पॉइंट एज D and E, two points named. You clearly see the upper part is having some resistance and the lower part is also having some resistance. Say this part is resistance is R1, this resistance is R2. We go for the solution. As shown, R1 and R2 are in parallel. हाँ दिख रहा है, parallel तो है क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस इधर से करंट घुस रहा है, इधर से निकल रहा है. R1 और R2 आर इन parallel. अगर R1 और R2 parallel है तो आप कहोगे R1 बाई R2 क्या होगा. आप जानते हो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. अगर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ तो बाकी क्रॉस सेक्शनल एरिया और रेजिस्टिविटी सब बराबर है. दिया है कि यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस है. अच्छा तो इट विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर लेंथ. कौन सा लेंथ? लेंथ ऑफ द पार्ट एडीबी, लेंथ ऑफ द पार्ट एडीबी बाय लेंथ ऑफ द पार्ट एईबी, है ना. ये हमें मालूम है. अब मुझे मालूम नहीं है इस रिंग का रेडियस क्या है. से इट इज आर. आई अस्यूम अगर रेडियस आर है, दिस लेंथ विल बी इक्वल टू आर थीटा. द आर्क लेंथ इज गिवन बाय आर थीटा.
And this length, what is this angle? This angle is 2 pi minus theta. Sir, 2 pi minus theta. So what is this length? R into 2 pi minus theta. So if I substitute these values, what I find? मुझे क्या मिलेगा? दोनों वैल्यू को अगर भर देते हैं यहाँ पे तो L A D B is nothing but R into 2 pi minus theta and R A B L A B is R into theta, so it comes out to be 2 pi minus theta by theta. Okay, fine. We got R1 by R2 is 2 pi minus theta by theta. You can write 2 pi, you can write 360 degree as you wish. Okay. अब ये दोनों पैरेलल में हैं तो इधर से कुछ करंट जा रहा होगा. लेट अस कॉल दिस करंट I1, ये करंट को I2, दोनों मिलके इधर से निकल रहे होंगे. पैरेलल में तो I1 R1 मस्ट बी इक्वल टू I2 R2. तो हम क्या कहेंगे? एज R A R1 एंड R2, R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, तो उनके क्रॉस में पैरेलल में होने से क्या बराबर होता है? जगत पैरेलल में क्या बराबर होता है? व्हेन टू रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम. तो हम कहेंगे I1 R1 मस्ट बी इक्वल टू I2 R2, व्हिच इंप्लाइज I1 / I2 इज इक्वल टू R2 / R1, नहीं दैट इज इक्वल टू थीटा / 2 पाई माइनस थीटा. अभी अभी तो निकाले हम लोग R1 by R2 was 2 pi minus theta by theta, और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं R2 by R1. अच्छा, तो I1 by I2 हुआ ये, और इसको अगर हम थोड़ा सा further simplify करके लिखेंगे तो मिलेगा I1 into 2 pi minus theta equal to I2 into theta. ये चीज सबको समझ में आया? ठीक, let us use this equation later somewhere. हमें याद है कि अगर हमारे पास कोई एक सर्कुलर सेक्शन है जो कि कुछ थीटा एंगल कर रहा है और रेडियस आर है, इसमें करंट आई जा रहा है, और यहाँ पे पी पॉइंट में मैं डिफरेंट क्या होता था? पूरा सर्कल होता था तो होता था म्यू आई बाय टू आर, लेकिन ये सेक्शन है, कितना पार्ट है? थीटा बाय टू पाई, है ना? सो द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी theta by 2 pi part of the total, so it is mu I by 2r into theta by 2 pi. ये हमें पहले से जानकारी है इसके बारे में. Now let us, ये अगर हमें मालूम है तो keeping this in mind let us go back to our figure and see. यहाँ पे ये जो छोटा सा section है उसके चलते कुछ magnetic field होगा, ये जो बड़ा सा section है उसके लिए कुछ magnetic field होगा. छोटा सा section के लिए जो magnetic field होगा वो बाहर की तरफ होगा. करंट इज गोइंग लाइक दिस, फिंगर्स एंटर हियर कम आउट हियर. इसमें बड़ा वाला सेक्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, तो हम क्या कहेंगे? ड्यू टू द सेक्शन, ड्यू टू द करंट I1, मैग्नेटिक फील्ड एट सी इज इनवर्ड. ड्यू टू द करंट I2, मैग्नेटिक फील्ड एट सी इज आउटवर्ड. ठीक है ना? तो हम क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड एट सी is inward due to I1 and outward due to I2. So B at C क्या होगा? B due to I1 minus B due to I2, है ना? I1 के लिए कुछ magnetic field होगा, I2 के लिए कुछ magnetic field होगा. I1 के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? I1 क्या एंगल कर रहा था? वो डिपेंड करता है, I1 ये एंगल कर रहा था 2 pi minus theta. तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा? देखिए तो it will be mu I1 by 2R. क्या एंगल कर रहा था? theta कर रहा था, तो ये फॉर्मूला था when the angle is 2 pi minus theta, क्या बन जाएगा? 2 pi minus theta by 2 pi. हाँ, minus b due to I2. I2 के लिए क्या होगा? I2 के लिए वही फॉर्मूला होगा mu I2 by 2R, so it will be equal to, just a minute, मैं इसको यहां करता हूं. हम कहेंगे it is equal to this minus mu I2 by
2r होल इनटू थीटा बाय 2π, क्योंकि I2 वाला करंट थीटा एंगल कर रहा है, I1 वाला करंट 2π माइनस थीटा वाला एंगल कर रहा है। क्या बात सबको समझ में आ रहा है? यस सर नो? यस। थोड़ा देखो तो इसमें से क्या कॉमन जाएगा, ये म्यू, ये 2r, ये 2π मिलके म्यू बाय 4πr दोनों केस में कॉमन जाएगा, सो इट इज म्यू बाय 4πr गोज कॉमन। व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड? I1 into 2π minus theta, it is I1 into 2π minus theta minus I2 into theta, है ना? कितना मिला? Look back to equation number 1, I1 into 2π minus theta was same as I2 into theta, so what is coming out to be the result? This is 0, so the magnetic field at the center will be 0. हम लोग प्रीवियस क्लास ऐसा एक क्वेश्चन किए थे, मेरे को याद है, हम डायमेट्रियली इंजेक्ट किए थे, आधा करंट इधर से जा रहा था, आधा करंट इधर से जा रहा था, तो सेंटर में जीरो हो रहा था, तो कुछ लोगों को लग रहा होगा डायमेट्रियली देने से जीरो हो रहा है, जबकि हम देख रहे हैं किसी भी पॉइंट में अगर करंट को इंजेक्ट करते हैं, किसी भी पॉइंट से अगर करंट को बाहर निकालते हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज कमिंग आउट टू बी जीरो। क्या ये बात सबको समझ में आया? देख लीजिए, टुडे वी शैल सी अनदर इंटरेस्टिंग फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर। थोड़ा इस फॉर्मूले को देख लेना। इस फॉर्मूला का प्रूफ करने के लिए आई हैव टू मेक यूज ऑफ सम लॉज, ठीक है, दैट इन्वॉल्व्स इंटीग्रेशन। तो मैं आपको फॉर्मूला वगैरह दे रहा हूं। बी ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रेट कंडक्टर्स, ठीक है, सपोज कोई एक स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर है कैरिंग ए करंट ऑफ IAs, ठीक है, तो इसके चलते कुछ डिस्टेंस r में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है एट दिस पॉइंट p? ध्यान रहे, मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू आई बाय 2πr। कैसे हुआ पूछोगे, तो फिर मैं सरेंडर कर जाऊंगा, मुझे एम्पियर्स लॉ बताना पड़ेगा जिसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होता है। आप लोग फॉर्मूला याद रख लो। तो ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, कितना लंबा है? इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इट इज म्यू आई बाय 2πr। अच्छा, अगर फाइनाइट है तो सपोज हम कहेंगे कोई एक फाइनाइट है वायर जो इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं है, जिसमें कुछ करंट आई जा रहा है, कौन से पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है? सपोज पी पॉइंट में निकालना है, पी पॉइंट में निकालना है। पी पॉइंट कहाँ है? एट ए डिस्टेंस आर, बट एट ए डिस्टेंस आर बोलना काफी नहीं है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेट अस स्पेसिफाई पी पॉइंट इज समवेयर हियर, सपोज विथ रेस्पेक्ट टू द टू एंड्स ऑफ द करंट कैरिंग वायर पी पॉइंट इज लोकेटेड, से पी पॉइंट इज हियर एट अल्फा एंड हियर इट इज बीटा, इज मेकिंग सम एंगल अल्फा एंड बीटा। तो P पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है बी एट पी इज म्यू आई बाय 4πr, यहां पर 2πr होता था, यहां पर 4πr हो गया, इनटू cos अल्फा प्लस cos बीटा, ठीक है। ऐसे करके आपको कुछ फॉर्मूला दे रहा हूं, याद रख लेना, क्योंकि जब तक आप KBQA के एग्जाम दोगे तब तक ये सब नहीं पढ़ाया गया होगा, तब तो आप क्लास 11 में होगे, तो ये फॉर्मूला को याद रखना। वैसे एक फॉर्मूला याद रखना काफी था ये सब चीजें निकालने के लिए, लेकिन मैं दे रहा हूं इसको, कैसे काफी था? चलो हम इस केस को इस फॉर्मूले से डिराइव करने की कोशिश करेंगे। P पॉइंट इज हियर एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम हियर, अगर ये वायर का लेंथ इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो बहुत दूर पे अगर जोड़ेंगे बीटा विल बी वेरी स्मॉल एंड दैट विल बी क्लोज टू जीरो, अल्फा विल बी आल्सो वेरी स्मॉल क्लोज टू जीरो, ये cos 0 प्लस cos 0 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो मिलेगा म्यू आई बाय 2πr, है ना? चीजें समझ में आ रहा होगा सबको? थोड़ा यहां से बढ़िया से लिख देता हूं ताकि आपको दिखेगा, cos अल्फा प्लस cos बीटा, हां ये बढ़िया।
और अगर आपको सच को इतना बढ़िया से समझ में आ रहा है तो बताओ कि यहाँ पे कोई एक स्ट्रेट वायर है जिसमें आई करंट तो जा रहा है, इट इज गोइंग अप टू इंफिनिटी, बट यू आर एट वन एंड ऑफ दिस वायर, यू आर एट वन एंड ऑफ दिस वायर एट पॉइंट पी, यू आर इंटरेस्टेड फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। क्या आप अपने दिमाग लगा के बता सकते हो? यू कैन मेक यूज ऑफ दिस फॉर्मूला और दिस फॉर्मूला, कोई बोल रहे हैं। चलो सोचते हैं इसको दोनों तरीके से सोचते हैं। पहला तरीके से सोचते हैं, ये जो स्ट्रेट वायर था इसके लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या था? म्यू आई बाई टू पाई आर। क्यों था? क्योंकि हर एक छोटे छोटे सेक्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल के जोड़ते थे, हर एक छोटा सेक्शन के लिए। यहाँ पर एक छोटा सेक्शन है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे था? इनवर्ड। इसके लिए इनवर्ड, हर एक छोटे सेक्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड वाज इनवर्ड। यस रितुजा, आई एम हैप्पी दैट यू आर एबल टू टेल। तो ये हर एक छोटे छोटे सेक्शन के लिए इनवर्ड होता था। अच्छा, मतलब पूरा वायर के लिए होता था म्यू आई बाई टू पाई आर। अगर मैं इससे नीचे भी इनफाइनाइट लेता हूं, ऊपर भी इनफाइनाइट लेता हूं, तो म्यू आई बाई टू पाई आर होता था। खाली ऊपर वाला लूंगा तो उसका आधा हो जाएगा, म्यू आई बाई फोर पाई आर। तो ऐसे आप सोच सकते हो कि द मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू आई बाई फोर पाई आर। लॉजिक जानना जरूरी इसलिए है, क्या मालूम कभी भूल जाओगे तो काम में लग जाएगा। दूसरा, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इवन क्लास 12 की बोर्ड में भी इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते, ना ही इस फॉर्मूला दिया गया है क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम में, जान लो तो काम में लगेगा। अब सोचो ये वायर सेमी इनफाइनाइट है, दैट मींस हियर अल्फा कितना हो जाएगा? अल्फा विल बी 90 डिग्री एंड बीटा विल बी 0। इफ यू जॉइन दिस फॉर्म बीटा विल बी 0, तो अल्फा को 90 डिग्री करो, cos 90 0 हो गया, cos बीटा 1 हो गया, आंसर हो गया mu i by 4 pi r। ठीक है ना? तो आप अगर इन तीन फॉर्मूले को याद रखोगे उसका रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, यू मस्ट रिमेम्बर दिस थ्री फॉर्मूले। चलिए इन फॉर्मूलों को यूज करके ढेर सारे वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं और हम लोग करना शुरू करते हैं। ठीक है, अगर ये सारा फॉर्मूला आपको समझ में आ गया तो मैं थोड़ा अभी आपको दूसरा सीट देना चाहता हूं। लेट्स सी हाउ यू आर गोइंग टू डू। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले करते हैं। सपोजिंग हम कहेंगे हियर इज ए वायर एंड हियर इज अनदर पैरेलल वायर। ये दो पैरेलल वायर है, दोनों के बीच में मान लो डिस्टेंस दिया है आर। इसमें जा रहा है करेंट, से इट इज 2i, और इसमें करंट जा रहा है 3i। पूछा है ये फर्स्ट वायर है, ये फर्स्ट वायर है, ये सेकंड वायर है। पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट वायर, फर्स्ट कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड इज, मैग्नेटिक फील्ड इज 0। तो पहले हमें सोचना है कि मैग्नेटिक फील्ड कहां पे 0 होगा, इस वायर से कितना दूर पे, इधर को कि इधर को। देखते हैं इस वायर के लिए अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना चाहेंगे, आई होल्ड माय थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अदर फिंगर्स आर एंटरिंग हियर, तो इन दिस जोन यू से द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड ड्यू टू द फर्स्ट वायर, ड्यू टू द सेकंड वायर, ड्यू टू द सेकंड वायर। ये जोन में मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? ऑब्वियसली इट इज एंटरिंग हियर, कमिंग आउट हियर, है ना? तो इस वायर के लिए, दूसरा वाला वायर के लिए ये जोन में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हुआ, जबकि ये वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो रहा है। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, है ना? तो कहां पे होगा? चलो मानते हैं कि यहां से कुछ आर डिस्टेंस पे और एक्स डिस्टेंस पे ये 0 हो जाएगा। ऑब्वियसली सपोज मानते हैं कि एक्स डिस्टेंस पे, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? लेट पी एट पी इज 0, पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा तो कैसा 0 होगा?
अब कहेंगे कि इसके चलते इनवर्ड हो रहा है, इसके चलते आउटवर्ड हो रहा है, तो हम कहेंगे बी ड्यू टू द फास्ट कंडक्टर, दैट मींस बी वन फास्ट कंडक्टर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है बी वन एट पी एंड माइनस बी टू एट पी मस्ट बी इक्वल टू जीरो, मतलब बी वन एट पी मस्ट बी इक्वल टू एंड अपोजिट टू बी टू एट पॉइंट पी। इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड इक्वल मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, तो ऑलरेडी अपोजिट डिरेक्शन में है ना, तो क्या लिखेंगे, बिकॉज बी वन पी एंड बी टू पी आर अपोजिट टू इच अदर, इसीलिए तो ये ऐसे आ गया। बी वन पी कितना है, स्ट्रेट वायर है, उसके लिए एक डिस्टेंस में फॉर्मूला होता था म्यू आई बाय टू पाई आर, ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर इज म्यू आई बाय टू पाई आर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, म्यू आई कितना है टू आई बाय टू बाय एक्स, दैट इज इक्वल टू बी टू के लिए क्या होगा, म्यू थ्री आई बाय फोर बाय, सॉरी फोर पाई क्यों होगा, इट बी टू पाई इंटू, ये डिस्टेंस कितना है, अगर ये एक्स है तो ये आर माइनस एक्स होगा, सो इट इज आर माइनस एक्स। क्या सबको समझ में आया, मारपीट करो, ये सब कुछ कैंसिल हो गया, क्या मिला आपको, टू बाई एक्स इज इक्वल टू थ्री बाय आर माइनस एक्स, एंड आई होप यू कैन फाइंड एक्स आउट ऑफ इट, टू आर इज इक्वल टू फाइव एक्स और एक्स इज इक्वल टू टू आर बाय फाइव। The magnetic field at a distance 2R by 5 from the first wire will be equal to 0. देख लो कितना सिंपल है। यहाँ पे आपको और एक इम्पोर्टेंट चीज याद रखना है जो बाई चांस में आप गलती कर सकते हो। हम लोग देखे थे कि ड्यू टू ए स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट IDL एट एनी डिस्टेंस R फ्रॉम इट जो मैग्नेटिक फील्ड होता था क्या होता था, इट वाज म्यू आईडीएल साइन थीटा बाय 4 पाई आर स्क्वायर एज ए होल बी एट पॉइंट पी वाज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, बट ड्यू टू ए लॉन्ग वायर, ध्यान रखना क्वेश्चन क्या पूछा है, ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट द मैग्नेटिक फील्ड वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, बट ड्यू टू ए लॉन्ग वायर एट एनी डिस्टेंस आर द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू आई बाय टू पाई आर, कहने का मतलब है कि बी एट पॉइंट पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ये दोनों चीज के ऊपर लोग हरदम क्वेश्चन डालते हैं, ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या पूछा है, ड्यू टू ए स्ट्रेट लॉन्ग वायर और ए स्मॉल करंट एलिमेंट, स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए बी एट पॉइंट पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर टू द डिस्टेंस, और ड्यू टू ए लॉन्ग वायर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इन चीजों को याद रखना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर सोन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ ए स्क्वायर लूप, सेंटर ऑफ दी स्क्वायर लूप, स्क्वायर लूप की सेंटर में ऑफ साइड लेंथ एल कैरिंग करेंट आई, करेंट आई, तो हमारे पास कोई एक स्क्वायर लूप है, उसके चलते हमें करंट पता करना है, ये एक स्क्वायर लूप है, इस स्क्वायर लूप का साइड लेंथ एल दिया गया है और इसमें करंट आई जा रहा है और ये लेंथ एल है, स्क्वायर लूप है, पूछा है सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालो, क्या आप लोग थोड़ा कोशिश करोगे निकालने के लिए, ट्राई फॉर द आंसर, कर सकते हो, यू आर ऑल वेरी गुड पीपल, पक्का कर सकते हो, तुम लोगों को मालूम नहीं है मैं कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन तुम लोगों से करवा रहा हूं, डर जाओगे, ऐसा क्वेश्चन तो ट्वेल्थ बोर्ड वालों से भी नहीं करवा रहे हैं,
ठीक है, तो तुम लोग कर रहे हो। तो यहां पर एक स्क्वायर के सेंटर में हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है और हमारे पास एक रेडीमेड फॉर्मूला है ना, तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए यहां पर करना है। पहले तो सोचना यह है कि एबी के लिए मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, वो इनवर्ड होगा, एबी के लिए इनवर्ड होगा। कोई मुझे बताएगा जो सेक्शन सीडी है, सीडी के लिए मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इनवर्ड, आउटवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, किस डायरेक्शन में होगा? देखो सीडी के लिए भी तो इनवर्ड हुआ। आई हैव टू कीप माय राइट हैंड फिस्ट क्लोज्ड, थंब बीइंग ओपन, थंब इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द अदर फिंगर्स आर एंटरिंग हियर। सो सीडी के लिए भी इनवर्ड हुआ। सेम फॉर एडी, ये भी इनवर्ड है, हर एक के लिए इनवर्ड होगा। इसका मतलब यस दैट इज करेक्ट। तो हम अगर निकालेंगे व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी, तो कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे एक के लिए जितना होता है उसका चार गुना, एक के लिए कितना होगा, एक के लिए कितना होगा, फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है फॉर्मूला, म्यू आई बाई फोर पाई आर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, म्यू आई बाई फोर पाई आर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। ठीक है, थोड़ा ये फॉर्मूला क्योंकि आपको आता है, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, इनको यहाँ पर रख देते हैं ताकि आप आसानी से देख पाओ। ठीक, तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज म्यू आई बाई 4πr, mu i by 4πr, r के जगह क्या लिखेंगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, l by 2, so it is mu i by 4πr l by 2 into cos alpha plus cos beta, what is this angle here, what is this angle here, आपको ये angle कितना है और ये angle कितना है, अरे दोनों 45 degree है क्योंकि ये square है, ये square है तो ये 45 degree हुआ, ये भी 45 degree हुआ, डालो value cos 45 plus cos 45, कितना सिंपल। तो 1 by 2, 1 by 2, 2 by root 2 is only root 2, 2 goes up, so it is 2 mu I by pi L, 4 4 cancel हो गया, है ना, 4 4 cancel हो गया, 2 पर चला गया, और ये चीज कितना हो गया, it is 1 by root 2, 1 by root 2, 2 by root 2, that is only root 2, so it is 2 root 2 mu I by L। क्या सबको समझ में आया, कितना बढ़िया है, कितना सिंपल है? ठीक है, अगर आप लोग इतना बढ़िया कर रहे हो तो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। हियर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, ठीक है, और हर एक साइड का लेंथ कितना है, लेंथ इज L, हर एक साइड का लेंथ है L, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें करंट जा रहा है, कितना करंट, I करंट जा रहा है, ये I करंट आ रहा है। आपको पूछा गया है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट A, क्या दिया है, यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट A, क्या कोई मुझे बताएगा फटाफट, राइट, फॉर the equilateral triangle, for the equilateral triangle ABC, triangle ABC, BC, find magnetic field at A, पूछा है ए में कितना है मैग्नेटिक फील्ड बताओ। हाँ, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, थोड़ा सा सोचेंगे तो बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं, म्यू आई बाय टू रूट थ्री पाई एल, ऋतुजा का दिमाग इतना मस्त चल रहा है, सो गुड ऋतुजा, बढ़िया है, आप लोग कितना जल्दी जल्दी सोच लेते हो, ठीक है, कितना जल्दी जल्दी सोच लेते हैं, आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल दिस। चलिए, बहुत बढ़िया, अपने आप को मेंटेन करके रखना। सॉल्यूशन, क्या आप लोग मुझे पहले बताओगे कि ए पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो किसके लिए बनेगा, ए बी के लिए कि ए सी के लिए कि बी सी के लिए कि तीनों के लिए? यस, ए बी और ए सी के लिए कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, बिकॉज इट इज अलोंग देयर लाइन ऑफ मोशन। बी एट ए द
magnetic field due to, yes, 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 correct, AB and AC are 0. Why? Because they are along the line of motion. So B at A is filled at A due to कौन सा? Only BC. अच्छा, तो ये कितना हुआ? क्या होगा फॉर्मूला? फॉर्मूला तो हमारे पास है, म्यू आई बाय 4 पाई आर। आर मतलब ये डिस्टेंस को आर कहो, लेट अस कॉल दिस डिस्टेंस आर। हमारा क्या है, किसी को भी आर बोल सकते हैं। आर cos alpha plus cos beta, alpha is 60, beta is also 60, 60 cos 60 is cos 60, 1 by 2, 1 by 2, 1, r का वैल्यू डालना है। अगर ये l है, ये एंगल 30 है, r is l cos 30, है ना, r is l cos 30 is root 3 l by 2, r का वैल्यू डालो, root 3 l by 2, तो ये ऊपर गया root 3 l, क्या मिल गया, मिल गया, हमें आंसर मिल गया यहाँ पे। इतना आंसर आ रहा है, वैल्यू डालो। दिस इंप्लाइज बी एट ए इज इक्वल टू म्यू आई बाय 4 पाई को रहने दो, 4 पाई को √3 l / 2 करेंगे, 2 कट जाएगा, तो मिलेगा 2 √3 l पाई, म्यू आई बाय 2 √3 l पाई। क्या ये सबको समझ में आया? मैं आर का वैल्यू डाल दिया हूं, इज इट अंडरस्टूड? अगर ये L है, ये R है, तो R कितना होगा? L cos 30। सर वो जो फॉर्मूला में जो cos alpha cos beta था, cos 60 क्या सबको समझ में आ रहा है? और anyone needs explanation for this? सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. मतलब ऐसा क्वेश्चंस आप लोग पक्का कर सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, है ना? ठीक है, तो अगर ये आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो चलिए ये सारा केसेस में मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। फाइंड, क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड बी एट पॉइंट सी, ये क्वेश्चन है, ऐसा करंट आई जा रहा, इंफिनिटी से आया, इंफिनिटी पे गया, ये एक सेमी सर्कुलर सेक्शन है, और ये लेंथ कितना दिया है, ये डी है, है ना, और पूछा है सी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालो। ये आप लोग कर सकते हो, ये आप लोग कर सकते हो, कहते रहो इसको फटाफट, ये कर लो, ठीक है। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी दूंगा, दूसरा क्वेश्चन भी दे दूंगा इसमें। दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ, हियर इज ए स्ट्रेट वायर, सर सी वो सेमी सर्कल का पेरिफेरी में है, सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर सेक्शन, सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर सेक्शन, दिख रहा है ये सेमी सर्कुलर सेक्शन है, इसका सेंटर सर्कुलर सेक्शन का सेंटर है, तो इट इज लाइक दिस। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा टेढ़ा हो गया, अच्छा नहीं बना, थोड़ा बढ़िया से बनाते हैं इसको। हियर इज अ स्मॉल गैप, करंट I इज कमिंग, दिस इज रेडियस R, फिर भी अच्छा नहीं हुआ। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहला केस में मैं बताऊं कि आपको ये जो वायर है कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री सेक्शंस, मैं इनको नेमिंग कर देता हूं, नेमिंग करता हूं, कैसे बताऊं, ये पार्ट को पार्ट वन, ये पार्ट को पार्ट टू, ये पार्ट को पार्ट थ्री, और हमें ये मालूम है कि
कि इसमें अगर करंट ऐसा है तो इसमें करंट ऐसा है, इसमें करंट ऐसा है, मुझे मैग्नीट्यूड यहां पे चाहिए। पहले मैं डायरेक्शन देख लेता हूं। पहला पार्ट वन के लिए सी पॉइंट पे मैग्नीट्यूड किस डायरेक्शन में है, पार्ट वन के लिए होल्ड योर थंब अराउंड दिस, तो आप देखोगे ये अंदर घुस रहा है। ड्यू टू दिस सेमी सर्कुलर पार्ट तब भी अंदर हो रहा है, ड्यू टू दिस पार्ट तब भी अंदर हो रहा है, तीनों केस में अंदर ही तरफ हो रहा है, तो आप कहोगे BA upon C is equal to B due to the first part, that due to the second part, that due to the third part, तीनों के लिए निकालो और जोड़ दो। अच्छा, ये एक लॉन्ग वायर है, you are at one end, और उसके लिए मेन फील्ड क्या होता है, याद करो, फॉर्मूला याद रखोगे तो फटाफट बनेगा। फॉर्मूला क्या था हमारा, अगर कोई वायर है, सेमी इनफाइनाइट वायर है, उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड निकालना था तो कितना होता था, सेमी इनफाइनाइट वायर में होता था म्यू आई बाय 4 पाई आर। फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, अगर म्यू आई बाय 4 पाई, या फिर ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, बट व्हाई टू स्ट्रेन योर ब्रेन, लेट अस यूज दिस फॉर्मूला म्यू आई बाय 4 पाई आर। तो अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो आएगा बी वन के लिए म्यू आई बाय 4 पाई आर, आर मतलब ये आर कितना होगा भाई, अगर ये डी है तो ये हो जाएगा डी बाई टू। नहीं, सेमी सर्कुलर वायर के लिए सारे एक डायरेक्शन में है, पूरा सर्किट के लिए होता है म्यू आई बाई आर। चलिए हम एक काम करते हैं, आर ही लिखते हैं और बाद में आर का वैल्यू डाल देंगे, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, तो आर ही लिखते हैं। चलो मानते हैं कि रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, तो सेमी सर्कुलर के लिए म्यू आई बाई 2R होता था पूरा सर्किल के लिए, ये आधा सर्किल है तो हो जाएगा 4R। B3 ये अगेन सेमी इनफाइनाइट है, इधर ये 90 डिग्री है, एट वन एंड में है, इट इज म्यू आई बाय 4 पाई आर। दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो गया, म्यू आई बाय 4 पाई आर, म्यू आई बाय 4 पाई आर मिलके हो गए म्यू आई बाय 2 पाई आर। नहीं, इट इज कमिंग आउट टू बी म्यू आई बाय 2 पाई आर, so it is mu I by 2 by R plus mu I by 4 R, जबकि R is D by 2। डालो, simplify करो, मेरे को simplification नहीं चाहिए, I wanted the answer, so you can put the value of R as D by 2। क्या सबको समझ में आया, कुछ लोग पाई के जगह 22 by 7 कर दिए हैं, but in this type of questions now usually they don't want you to put pi as 22/7, they want you to keep pi as pi, ठीक है, no change, जैसे था वैसे रखना। तो ये हो गया आंसर हमारा, आर के जगह डी बाई टू। दूसरा क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन क्या कोई बनाया अभी तक, लिखोगे, अच्छा लिख दिया, अच्छा अच्छा, ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये छोटा सा टुकड़ा माइनस है, छोटा सा टुकड़ा माइनस है, टुकड़े के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो छोटा सा टुकड़ा ही होगा, उसको आप इग्नोर कर सकते हो। आई कैन कंसीडर दिस फिगर इज स्ट्रेट वायर एंड ए रिंग कैरिंग करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, ये इसमें करंट कैसे जा रहा है, ऐसे, तो सोचो तो यहां पे जो सेक्शन है रिंग का, उस सेक्शन में करंट इधर को है, वायर में इधर को है, तो दोनों के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा एक दूसरे को कैंसिल कर जाएगा, सो ए स्मॉल एब्सेंस ऑफ ए स्मॉल करंट एलिमेंट डजंट अफेक्ट, इट इज एज गुड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए रिंग एंड ए स्ट्रेट वायर। समझ में आया क्या, क्योंकि छोटा सा सेक्शन रिंग के लिए इधर को करंट लाता था, स्ट्रेट वायर का इधर को लेता था, इन दोनों को जोड़ देंगे तो लगेगा कि ये वाला सेक्शन है नहीं, क्योंकि इसका कोई इफेक्ट ही नहीं आया, तो आई कैन कंसिडर दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट वायर एंड रिंग। स्ट्रेट वायर के लिए क्या होगा, रिंग के लिए क्या होगा, स्ट्रेट वायर के लिए कैसे होगा, फील्ड इधर घुस रहा है, इधर से निकल रहा है, B at C due to the straight wire is outward, है कि नहीं, and due to the ring it is inward, yes, तो क्या कहेंगे, magnetic field at point C, magnetic field at point C को हम क्या कहेंगे, हम कह सकते हैं क्या, कोई से B at point C is due to the straight wire, कितना है, mu mu, अच्छा ये ring के लिए क्या होगा, mu I by 2R, किस डायरेक्शन में, इनवर्ड, माइनस स्ट्रेट वायर के लिए म्यू आई बाय 2 पाई आर, कैसा है, आउटवर्ड, तो म्यू आई बाय 2R इज ऑब्वियसली मोर देन दिस, सो द एंटायर थिंग इज इनवर्ड। क्या ये बात सबको समझ में आया,
इज इट अंडरस्टूड म्यू एम एल टू आर बड़ा है ये छोटा है तो दिस माइनस दिस कर दी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन फाइंड फाइंड बी सी फाइंड बी एट पॉइंट सी देखें 1/2 πr बड़ा है कि 1/2r बड़ा है ये 2πr बड़ा हो गया तो क्वांटिटी छोटा हो गया ना म्यू ए बाई 2πr इज स्मॉल ये मैथमेटिक्स के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा बी एट पॉइंट सी निकाला ये वाला क्वेश्चन डू दिस क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये आपको दिख रहा है कि एक सर्कुलर सेक्शन है इसका कुछ हिस्सा गायब है ये इंफिनिटी से आया है इंफिनिटी से आया है इंफिनिटी पे गया है आई करें रेडियस इज आर आपको सी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड बताना है यस यू कैन डू इट ये ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग पूरा गाजर मूली की तरह खा जाओगे मुझे मालूम है सिंपल क्वेश्चन है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस पहले हम इसको बनाए ये ऐसा ऐसा गया है ये ऐसा गया है इधर से करंट आया इधर से करंट गया और इसका रेडियस है आ इसका रेडियस है आ ये है और ये है ये रेडियस है आ रेडियस इज आर चलिए इस केस में करिए आप लोग कर सकते हो यू आर ऑल स्मार्ट पीपल यस पक्का कर सकते हो दोनों केस में चलिए मैं ये दोनों केस में बी एट पॉइंट सी चाहिए यू कैन डू इट नाउ हो गया देखो कितना जल्दी जल्दी हो रहा है लोगों का चलिए पहला क्वेश्चन के केस में क्या होगा आंसर देखते हैं ये जो तीन सेक्शन है तीनों सेक्शन को मैं थोड़ा नेमिंग करता हूं 1, 2, 3 अच्छा ये जो वन है बी वन सी क्या होगा इसके लिए सेंटर में ये तो जीरो होगा अलोंग द एक्सिस दैट एवरीवन नोज नाउ बी टू सी सेंटर में कैसे होगा इनवर्ड कितना होगा 3/4 ऑफ दैट ऑफ ए कंप्लीट रिंग म्यू आई बाई टू आर सेकेंड केस में इनफाइनाइट से कहां से अच्छा सेकेंड केस में हाँ इट इज ऑल गोइंग टू इंफिनिटी यस 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 तो इस केस में थर्ड केस में अच्छा ये जो सर्कुलर था सेक्शन उसके लिए कैसे था इनवर्ड और ये जो लंबा सा वायर दूर भाग गया उसके लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये इधर से जा रहा है एंटरिंग हियर कमिंग आउट हियर आउटवर्ड तो आपको हो गया बी थ्री सी इज म्यू आई बाय 4πr है ना क्योंकि ये सेमी इनफाइनाइट है एक एंड में आपको जो कि आउटवर्ड है और ऊपर वाला कितना हो गया 3μi/8r ये μi/4πr ऑब्वियसली ये बड़ा है ये छोटा है तो आपको हो गए b at point c is equal to 3μi/8r minus μi/4πr sorry ये 3μi/8r 3μi/8r minus μi/4πr तीसरा केस में नाउ ये सेक्शन को नाम दीजिए 1 ये 2 ये 3 तो आप कहोगे कि हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लेट्स सी B1C 1 के लिए ये वाला कंडक्टर के लिए ये अंदर घुस रहा है इधर से निकल रहा है मतलब C पॉइंट में इज आउटवर्ड C पॉइंट में इज आउटवर्ड कितना μi/4πr आउटवर्ड अच्छा ड्यू दी 3/4 ऑफ द सर्कल बी टू सी बी 3/4 ऑफ म्यू आई बाय 2r कैसे ये अंदर की तरफ जा रहा है क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है अगर हम राइट हैंड फिस्ट यूज करेंगे तो ये अंदर जा रहा है सो इट इज इनवर्ड
ड्यू टू दिस सेक्शन, ये सेक्शन के लिए इट इज अगेन आउटवर्ड, है ना, ये वाला सेक्शन के लिए भी ये आउटवर्ड आ रहा है, तो हम कहेंगे बी थ्री सी इज इक्वल टू म्यू आई बाय 4 पाई आर एंड आउटवर्ड, तो आपको हो गया बी एट पॉइंट सी इज बी टू सी माइनस बी वन सी प्लस बी थ्री सी, निकाल दो जो आएगा वही। इधर क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर कैरीज ए करेंट, करेंट आर, इट वॉज फोल्डेड, इट वॉज फोल्डेड अलोंग ए डायमीटर, डायमीटर टिल द टू सेमी सर्कुलर पार्ट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ईच अदर, फाइंड बी एट कॉमन सेंटर, कॉमन सेंटर पूछा है, बी एट द कॉमन सेंटर क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, डरो मत, देख के, कोई एक रिंग में कुछ एक करंट फ्लो कर रहा था और उस रिंग को हम अलोंग ए डायमीटर फोल्ड कर दी, फोल्ड कर दिए, रोटी को फोल्ड कर दिया, हाफ रोटी जैसे दिखेगा, फोल्ड किया और ऐसा फोल्ड किए, ऐसा फोल्ड किए कि दिखने लगा कि द टू सेक्शन सेमी सर्कुलर सेक्शंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, समझ में आया। तो आपको निकालना है व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, यहां पे पूछा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ट्राई करिए, आप लोग पक्का कर सकते हैं। तो ये देखिए आपके सामने रिंग, रिंग में करंट जा रहा है ऐसे ऐसे, हाँ ठीक है, तो मैं करंट का भी डायरेक्शन इसमें इंडिकेट करता हूं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, अच्छा करंट तो यहां पे नहीं दिखा सकते, करंट ऐसा है। अब मैं क्या करता हूं, रिंग को फोल्ड करता हूं ताकि दोनों सेमी सर्कुलर पार्ट एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए, यस, नाउ द सेमी सर्कुलर पार्ट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एट द कॉमन सेंटर, यहां पे ये पार्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कैसे, डाउनवर्ड, और ये ऊपर वाले पार्ट के लिए इट विल बी, ये वाला पार्ट जो है इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, अंदर की तरफ, मतलब वर्टिकल, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मे बी वर्टिकली अपवर्ड, मे बी वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकल बनेगा, ये समझ में आया। ये वाला पार्ट के लिए, ये वाला पार्ट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कैसे बनेगा, ऐसे घुस रहा है, मतलब इट विल बी हॉरिजॉन्टल, तो ये पार्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड इज हॉरिजॉन्टल, ये पार्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकल। एक पार्ट के लिए क्या होता है, पूरा रिंग के लिए होता है म्यू आई बाय 2r, ये तो आधा है ना, आधे के लिए क्या होगा म्यू आई बाय 4r, तो इसके लिए म्यू आई बाय 4r वर्टिकल, इसके लिए म्यू आई बाय 4r हॉरिजॉन्टल, नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछा है ना, तो हम क्या कहेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड्स, द मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू, ड्यू टू ईच सेमी सर्कुलर पार्ट इज म्यू आई बाय 4r, बट देयर, और इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, हम कहेंगे इसे इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, यस,
म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, सो बी सी नेट क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर उसका स्क्वायर, दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल रूट ओवर होता है, सो इट बी म्यू आई बाय 4r का स्क्वायर, म्यू आई बाय 4r का स्क्वायर होल रूट ओवर, इट इज इक्वल टू हाउ मच इट इज कमिंग आउट टू बी, इट इज कमिंग आउट टू बी is equal to root 2 times mu I by 4r. ठीक ठीक है, let us see next question. ये आपको दो वेक्टर का अगर रिजल्टेंट निकालना है तो फिर उसमें एडिशन होगा. ऐसा होता है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर ऐसा है a और ये एक वेक्टर है b और इनका रिजल्टेंट निकालना है, अगर ये एंगल थीटा है, चलो इन जनरल ले लेते हैं, एंगल इज थीटा, ये बी है और ये एंगल थीटा है, तो जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, रिजल्टेंट होता है, दैट इज गिवन बाय ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab cos थीटा. यस, अब सोचो अगर दोनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, दिस क्वांटिटी विल बी जीरो, व्हाट विल बी लेफ्ट विद इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ऑफ सम होगा सर. हां हां, क्योंकि कोई भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है तो वो उसका सम होता है. हां, रिजल्टेंट का मतलब ही सम है, वेक्टर f1 प्लस वेक्टर f2, वेक्टर सम, कोई मैग्नीट्यूड का सम नहीं है, वेक्टर सम इज नॉट मैग्नीट्यूड सम, ये वेक्टर सम होता है. ठीक है, ठीक, ये चीज भी आप लोगों को समझ में आ गया. अगला क्वेश्चन देखते हैं. अस्यूम सेम करेंट आई पासेस अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. क्या दिया फिगर में, दिया ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, है ना, और यहां से करंट i जा रहा है, करंट i ऐसे जा रहा है, i इधर से भी करंट i जा रहा है, इसको पूछा क्या है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट 00z ऑन जेड एक्सिस. कोई एक पॉइंट है 00z ऑन जेड एक्सिस, उस पॉइंट में हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है. ठीक है, थोड़ा सोचिए, आप कर सकते हैं, अगर किसी का नहीं हुआ है तो देखो, आप में से मेजॉरिटी लोग का आंसर बता चुके हैं. ये अगर एक्स एक्सिस है, this is what is x axis, this is what is y axis, तो हम कहेंगे कि जो z axis होगा it will be perpendicular to the plane. 0 0 z is a point at a distance z from origin, यहाँ पे तो ये y के लिए जो magnetic field बनेगा इस point में, इधर से घुसेगा इधर से निकलेगा, imagine यहाँ से निकल के आएगा ऐसे जाएगा, मतलब यहाँ पे magnetic field due to the current along x axis it is vertical, ड्यू टू द करंट अलोंग वाई एक्सिस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऐसे घूम रहा है, इधर से घुस रहा है, इधर से निकल रहा है, इट विल बी लाइक दिस हॉरिजॉन्टल. तो हम क्या कहेंगे, एसोन द मैग्नेटिक फील्ड्स, एसोन द मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड्स एट 00z आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ठीक है, तो बट सेम इन
मैग्नीट्यूड, सेम इन मैग्नीट्यूड। तो आप कहोगे बी एट जीरो जीरो जेड इज बी ड्यू टू द करेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस और बी ड्यू टू द करेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस दोनों के लिए। तो कितना हो जाएगा हर एक के लिए कितना हो जाएगा, इट इज म्यू आई बाय टू पाई आर, आर की जगह लेंगे जेड। दूसरे के लिए भी म्यू आई बाय टू पाई जेड, बट दे आर नॉट इन सेम डिरेक्शन, दे आर इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डिरेक्शन। अगर हम रूट ओवर ले लेंगे तो मिलेगा रूट टू टाइम्स म्यू आई बाय टू पाई जेड। ठीक है, आप रूट टू को कैंसिल करके नीचे आ सकते हो, इट विल बी म्यू आई बाय रूट टू पाई जेड। क्या सबको समझ में आया ये वाला? ठीक है, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन क्या होगा ये बात है। अब सोचो ये जो वेक्टर है इसके लिए डायरेक्शन कैसे हुआ, नीचे की तरफ ऐसे हुआ। ये जो वेक्टर है उसके लिए ऐसे हुआ। ऐसा दो वेक्टर है, यू सी ऑन जेड एक्सिस द वेक्टर्स आर लाइक एंड लाइक दिस, तो इनका रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में होगा ऐसे। ठीक है, हाँ तो ये दोनों बराबर है तो ऑब्वियसली 45 डिग्री करके हॉरिजॉन्टल के साथ और वर्टिकल के साथ। हाँ बताइए, तो फिर 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल। हाँ हाँ ठीक है, ऐसा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए फटाफट आंसर देखते हैं कहां पे हो रहा है। यहां पे कोई एक स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग वायर है, मैग्नेटिक है आई। यहां पे एक दूसरा वायर है जिसमें करंट है टू आई, इसको कहेंगे वायर नंबर वन, ये हो गया वायर नंबर टू। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया है आर। फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस From the left wire, the magnetic field is zero. हाँ ये बताना, लेकिन आपके लिए क्या, आप लोगों के लिए तो फटाफट बना लोगे। चलिए बनाइए इसको, you can do it now. कितना सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करना है, कर लोगे। दोनों इनफाइनाइट, कुछ नहीं लिखा रहेगा तो आप उसको इनफाइनाइट वायर मान लेना। ठीक है, डू इट नाउ। वी सी दैट इन दिस केस कहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा जानने के लिए पहला तरीका है कि दोनों कंडक्टर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इक्वल एंड अपोजिट होना जरूरी है। क्या ये बीच वाले जोन में कहीं हो सकता है? यहां पे ये अंदर की तरफ, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। दूसरे वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? ये अंदर वाले जोन पे, इसके लिए भी तो अंदर की तरफ है। सो हियर द फील्ड्स कैन नॉट कैंसिल आउट ईच अदर, ये समझ में आया कि ये जोन में मैग्नेटिक फील्ड्स विल नॉट कैंसिल आउट। सोचो हियर, इधर देखेंगे तो इस जोन में, इस जोन में इसके लिए रहेगा इनवर्ड और इसके लिए आउटवर्ड। हाँ यहाँ ये जोन में हमें दिख रहा है, ये जोन में हमें दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस टू कंडक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शंस, हो सकता है कि यहीं कहीं वो जीरो है। लेकिन सोचो तो ये ज्यादा करंट जा रहा है यहां से नजदीक किसी एक पॉइंट में, अगर हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, इसके लिए तो वीक होगा, बिकॉज डिस्टेंस इज मोर। तो यहां पर द टू वेक्टर्स आर अपोजिट बट दे कैन नॉट बी इक्वल, है ना। Now the possible third possible region is here. यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसके लिए पास में है, इसमें करंट कम है और ये पास में है, इसमें करंट ज्यादा है और ये दूर में है, और यहाँ पे डायरेक्शन देखो तो इसके लिए आउटवर्ड और इसके लिए इनवर्ड, तो यहाँ पे कैंसिल हो सकता है। लेट दैट पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम हियर, तो क्या लिखेंगे, कैसे शुरू करेंगे? Let dp is zero, इसका मतलब mu i by 2 pi x
must be equal to and opposite to must be equal to and opposite to mu I by 2 pi. ये डिस्टेंस कितना हो गया? म्यू आई नहीं है, अभी आई नहीं है, किसके लिए निकाल रहे हैं? इसके लिए म्यू इनटू 2 आई बाय 2 पाई आर माइनस एस, मारपीट करिए मिलेगा एस इज इक्वल टू आर। दैट मींस यहां से आर डिस्टेंस पे इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो। क्या सबको समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? यस ठीक है, ठीक है। अभी तो हमारे दूसरे लोग आ जाएंगे, विल सी इट अगेन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।